आज के दिन दोस्तों कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसको देख के आप बोलोगे भाई ये हो ही नहीं सकता, हम मानते ही नहीं बोल के। लेकिन लिटरली जो लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं दोस्तों, उन लोगों को आज के दिन जो लाइव मार्केट में देखने को मिला, जो लाइव एक्सपीरियंस करने को मिला, मैं क्लियरली बोलता हूँ भाई किसी को पे करके भी उतना नहीं मिलता। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं दोस्तों। मैसिव में कहना चाहूंगा अलग ही लेवल पे सब कुछ आज के दिन चला है। मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही दोस्तों 9:37 पे मेरा कौन सा मैसेज आता है, आज कौन सा एक्सपायरी था मेरे साथ बोलिए, फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। लोगों का क्या डिमांड था, अरे भाई आप तो फिर निफ्टी का लेवल नहीं देते, हमें इग्नोर कर देते हो बोल के। लो भाई आपका विश मैंने पूरा कर दिया, मार्केट खुलते ही 9:37 पे मेरा मैसेज आता है फिर निफ्टी का 20,691, अगर ये लेवल को तोड़ देता है तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है। और ये कोई चीटिंग नहीं है दोस्तों, लाइव मार्केट में प्रॉपर मैं एक सेटअप के साथ देता हूं। कौन सा सेटअप, कि भाई 5 मिनट का 2 रेड कैंडल अगर क्लोज करेगा ऐसे ना तो ही पुट बाय करो बोल के, जो है आपके सामने है। उसके बाद क्या था मेरे भाई, आप देख लीजिए 2-5 मिनट का कैंडल यहां पे क्लोज किया, भाई कितना मार्केट गिरा है, 615 पॉइंट मेरे लेवल से गिरा है, 615 पॉइंट दोस्तों, लिटरली जो मैसिव से भी दोस्तों एक अलग लेवल का प्रॉफिट। आप खुद सोचिए यार, कुछ नहीं करते, मेरे कहने के हिसाब से अगर आप जीरो टू हीरो ट्रेड या फिर कोई नॉर्मल प्रीमियम भी 10-20 रुपए का भी खरीद लेते ना, कितना बनता भाई। इवन मेरा जो क्वालिटी वाला ग्रुप है वहां पे तो दोस्तों 9:27 पे ही 20,300 का पुट, जो कि इस एक्सपायरी का नहीं है, ध्यान रखिए ये 30 जनवरी का है दोस्तों, वो वॉचलिस्ट पेड करने को कहा था, जो कि 49 रुपीस में हमने खरीद लिया 9:32 पे, वो कितना गया दिन के आखिर में आपको मैं अगर दिखा दूं दोस्तों, यहां पे हमने खरीदा था 49 रुपीज से और वो 6 गुना हो गया यार, 320 रुपए तक डे के आखिर में चला गया। और अगर आप देखोगे जो मेरे क्वालिटी ग्रुप पे यहां पे मैंने दिया था ना 9:30 पे, भाई जैसे खरीदा ना एक कैंडल नीचे नहीं मुड़ा यार, वहां से कंटिन्यूसली 6 गुना हुआ है, लिटरली आज के दिन पैसा 6 गुना हुआ है दोस्तों, अलग ही मूड पे है। कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, मैं दिखाता हूं कितना कमा के रखे मेरे मेंबर। 20,300 का पुट दिया था फिर निफ्टी का, 30 जनवरी का है 22,000 छाप लिया मेरे एक हीरो जीरो पे। अगर मैं और भी प्रॉफिट दिखाऊं दोस्तों, 8,700 छाप लिया मेरे एक हीरो जीरो पे, यहां पे देखिए कहीं ना कहीं 5,500 छाप लिया, यहां पे देखिए दोस्तों 4,900 छाप लिया भाई 20,000 के 300 के पुट में, सब में एक स्क्रीनशॉट भरे पड़े हैं, 20,300 का पुट 3,400 से ज्यादा छाप लिया। ये तो बोल रहे हैं कि भाई क्या ही आपने रैली कैच किया है जय जगन्नाथ भाई जय जगन्नाथ, और 2100 छाप लिया भाई, हर एक पर्सन आज के दिन कमा के रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, तो जाके फ्री वाले ग्रुप जुड़ जाइए। कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, उसका भी एनालिसिस करेंगे और आज एक ही वीडियो में डालने वाला हूं दोस्तों, यहां पे हम निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक फिन निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि रोज मैं 2 वीडियो डालता हूं बट आज मैं एक ही वीडियो आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। और मेरा एक ही हंबल रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कीजिए दोस्तों, कोई भी कॉल पुट लिए, हां जो बोले थे, जो कमेंट किए थे कॉल लिए उनको मैंने बोला गैप खुल रहा है प्रॉफिट बुक कर लो, जो बोले थे पुट लिए हैं उनको मैंने आज के दिन सुबह रिप्लाई दिया था 15 मिनट के लिए वेट करो, लो टूटा तो ही आप होल्ड करना, हाई टूटा तो एग्जिट करना। आज क्या हुआ, मार्केट खुल के दोस्तों पहला 15 मिनट का लो टूटा, पूरा फायदा, तो भाई कमेंट का रिप्लाई का फायदा मिला ना, तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, भाई 6 गुना पैसा हुआ यार, जो आपका विश था ना वो पूरा किया, अब मेरे विश पूरा कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके। चलिए कल की अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, बहुत सिंपल रखते हैं दोस्तों, कोई एक्सपर्ट आपने क्या होगा सच में कि दोस्तों कि इतना बड़ा फॉल होगा यार, कोई नहीं किया था लिटरली, बट गैप अप खुला, मैंने कहा था ऑलरेडी डाउन साइड आएगा और सेलिंग मोमेंट है और वो आया है आज के दिन, प्रूफ मिला लाइव मार्केट में, तो टॉप से आपको बोला था सेल के लिए। तो अगर कल के दिन दोस्तों मार्केट बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं फ्लैट या फिर गैप अप खुला साइडवेज हुआ, उसके बाद दोस्तों 44,716 ये अगर लेवल टूट जाता है ना, तब जाके दोस्तों हम कहीं ना कहीं पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे पहले और एक लेवल आता है, अगर गैप अप या फिर फ्लैट खुल के साइडवेज होके 44,886 अगर ये टूट जाता है तब भी आप सेल कर सकते हैं। आप बोलोगे भाई आप दो दो लेवल बताएं,
क्या कंफ्यूजन कर रहे हो? नहीं, देखिए सिंपल चीज को रखते हैं दोस्तों, आज का जो लो है ना वही कल के लिए सपोर्ट है, क्योंकि आज के दिन वन साइडेड डाउनफॉल हुआ है, तो कल के दिन अगर फ्लैट खुला आज का लो टूटा तो कहीं ना कहीं जो 100 पॉइंट का छोटा सा स्पेस है ना उतने तक तो आप एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि 44,886 टूटा तो 44,716 तक तो आप डेफिनेटली टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखोगे तो 44,716 कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहां पे अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, फिर टच किया, यहां पे सपोर्ट बना के फिर ऊपर चला गया, तो सिंपल बात है दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। और ये सपोर्ट अगर तोड़ दिया 44,716, ये सपोर्ट अगर तोड़ दिया तब जाके बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहा कि अगर कल के दिन फ्लैट खुला और 44,886 टूटा तो ये सपोर्ट तक आप टारगेट रख सकते हैं। अगर ये सपोर्ट टूटा 44,716 देन डेफिनेटली दोस्तों हम कहीं ना कहीं डाउनफॉल का ही उम्मीद करेंगे। ये क्लियर हो गया दोस्तों पहला व्यू आपका कि भाई हमें सेल करना है अगर फ्लैट या फिर गैप अप खुला तो। और एक व्यू बता देता हूं दोस्तों, कल के दिन अगर कुछ बड़ा गैप अप खुला और 45,498 ये लेवल को टच किया और यहां से दोस्तों एम पैटर्न बन गया ना, देन डेफिनेटली दोस्तों कहीं ना कहीं हम पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे। क्योंकि 45,498 अगर आप देखोगे, ये मैंने क्यों बोला, मेरा बोलने का यही मतलब है कि कल गैप अप खुला ऊपर गया और भाई 45,498 इसको टच किया और यहां से रिजेक्शन दिखा तो हम पुट बाय करेंगे बोल के। इसके पीछे क्या रीजन है, ये कुछ क्या ही ऐसा लेवल है जो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई यहां से मार्केट रिवर्स करने का जो चांस है वो 90% है। इसके पीछे रीजन बता देता हूं, आप देखिए 45,498 अगर आप देखोगे दोस्तों प्रॉपर एक कहीं ना कहीं सपोर्ट था जहां से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव हुआ करेक्ट बैंक निफ्टी। उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों यही सपोर्ट फिर से टच किया फिर ऊपर की तरफ मूव हुआ, यही सपोर्ट फिर टच किया फिर ऊपर की तरफ मूव हुआ, तो सिंपल बात है ये सपोर्ट ऑलरेडी फिर एक बार ब्रेकडाउन कर दिया फाइनली आज के दिन और नीचे आ गया। तो जब इतना बड़ा पहले सपोर्ट था आज के दिन ही ब्रेकडाउन किया है तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है और यहां से डेफिनेटली मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। तो व्यू आपको क्लियर हो गया दोस्तों और मैं कुछ व्यू देना नहीं चाहता, चीजों को सिंपल रखिए। फ्लैट खुला डाउन, गैप अप खुला एम पैटर्न बनते ही सेल, इससे और भी बड़ा गैप अप खुला ना मैं सेल ही सोचूंगा। उस दिन भी कहा था, मेरा एक एक वार्ड मुझे याद रहता है कि भाई यहां पे कंसोलिडेट हुआ है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि यहां पे मैंने कहा था ना, सब कुछ कहा था मैं, फिर भी क्यों रिपीट कर रहा हूं, सब कुछ तो दोस्तों आपके सामने है, जो भी है ऑनेस्टी के साथ सब बोल देता हूं। तो क्लियर बात है उस दिन ऑलरेडी कहा था कि भाई गैप अप खुला तो हम सेल के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। और आज के दिन वो हुआ भी, तो कल के दिन भी सिंपल व्यू है, अगर कल के दिन गैप अप खुला तो यहां पे रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, तो यहां से तो गिरेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। इतना बड़ा आज के दिन डाउनफॉल हुआ है तो यहां पे हर एक प्रेस पे दोस्तों सेलर बैठे हैं, तो गैप अप खुल के ऊपर जाने का चांसेस फिर मतलब ना के बराबर हो ही जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों सारे के सारे बात। और उस दिन और एक पॉइंट भी मैंने बोला था कि दोस्तों मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता, जो आई थिंक सैटरडे के दिन शाम को मैंने, मेरा ये भी व्यू सही हुआ, मैंने एक ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था आप सबके सामने और क्लियरली कहा था दोस्तों मुझे कोई दिख नहीं रहा है मैं क्यों झूठ बोलूं, ये टूटा तो सेल कर दो, ये टूटा तो सेल कर दो। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गया ना 800 के नीचे आ गया 750 के नीचे तो बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। देखो आपके सामने प्रूव है और जो है दोस्तों आपको बता दिया। अब सीधे ऑप्शन चेन पे जाएंगे, 45,000 के आसपास दोस्तों क्लोज दिया है बैंक निफ्टी, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, और क्लोज दिया है दोस्तों 45,006 के आसपास क्लोज दिया है, ठीक है। चलिए तो यहां पे अगर आप देखोगे 45,100 पे 8 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, एक्सीलेंट। 45,200 पे 931,000 से ज्यादा कॉल राइटर, बहुत बढ़िया मैं कहना चाहूंगा। तो 45,200 ये एक लेवल निकल के आ रहा है, 45,200 के ऊपर गया तो बाय, शॉर्ट्स कवरिंग रेडी आएगा। नीचे की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी सारे पुट राइटर भाग चुके हैं आज के डाउन मूव से, तो नीचे अगर आप देखोगे 45,000 के लेवल पे 5,36,000, 44,900 के लेवल पे 5,80,000 ऑलमोस्ट पुट राइटर हैं, तो 44,900 एक सपोर्ट है, वो टूटा तो हम कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ ही सोचेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब निफ्टी पे चले आते हैं, निफ्टी का क्या हाल चाल है। देखिए निफ्टी का सिंपल है दोस्तों, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुला, आज का लो 21,192 टूटा तो सेल करेंगे, सिंपल है। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे कंप्लीटली डाउनफॉल का मोमेंटम दिया, यहां पे आके फाइनली रुका है,
बस फ्लेट खुल के आज का लो टूट गया ना 21,192, देन डेफिनेटली हम सेल करेंगे दोस्तों। ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मार्केट फ्लेट खुला 21,294, यहां से भी रिजेक्शन ले रहा है, मेरी बात को ध्यान सुनिए, 21,294 यहां से भी थोड़ा भी रिजेक्शन लेता हुआ दिखा तब भी सेल कीजिए, क्योंकि 21,294 अगर आप देखोगे प्रॉपर एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट आज के दिन टूटा है तो कल के दिन यहां पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, और व्यू सेम रहेगा, दोनों व्यू तो मैंने बता दिया। गैप अप खुला तो वो तो पूरी दुनिया को पता है कि भाई हमें सेल का व्यू ही रखना है, मेरे फॉलोअर्स को ऑलरेडी पता है कि यार आपको क्या करना है, इतना बड़ा डाउन मूव तो यहाँ पे तीन जगह रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ से फिर मार्केट घूम जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, 21,243 के आसपास क्लोज दिया है निफ्टी, अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, और क्लोज दिया है दोस्तों 21,200 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 21,200 पे 37 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, 21,300 पे अगर आप देखोगे 47 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, तो 21,300 का जो लेवल है वही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है दोस्तों, जहां पे 47 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं, तो 21,300 के ऊपर ही कहीं ना कहीं हमें अपसाइड की तरफ सोचना है। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 21,200 पे 25 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, उसके नीचे आया तो सेल, बट सबसे ज्यादा पैनिक सेलिंग 21,100 के नीचे देखने को मिलेगा, जहां पे 10,70,000 एक फाइनल सपोर्ट है, वो टूटा तो हमें और भी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऑलरेडी पुट राइटर भाग चुके हैं, वो तो क्लियरली आप देख सकते हैं कॉलम में आपको दिख ही रहा है। फिर निफ्टी का लास्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, फिर निफ्टी एक नंबर फॉल था, इवन हमने तो ये टॉप से मैंने पकड़ लिया था और मजा भी आया दोस्तों, मतलब एक वन फ्लो में फॉल था, ऐसा नहीं कि यार चौपी था, टाइम पास किया, डराया, और सबको प्रॉफिट मिला है। इवन हीरो जीरो पे तो आपने देखा होगा कहीं पे वो थाम खरीदे थे और कहां यार वो पहुंच गया 6 गुना, यार मतलब दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल बात है दोस्तों, अगर कल के दिन मार्केट फ्लेट खुला, आज का लो 20,081 अगर टूटा तो सेल करेंगे, और कल फ्लेट खुल के ऊपर गया 20,217 से घूम रहा है तब भी सेल करेंगे, क्योंकि सिंपल बात है ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया तो फिर टच किया तो रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गया 20,217 से। क्लियर हो गया दोस्तों दोनों व्यू, क्योंकि सपोर्ट था, आज टूटा तो रेजिस्टेंस बनाए, तो फ्लेट खुला नीचे, गैप अप खुला तो भी नीचे, और भी बड़ा गैप अप खुला तो भी नीचे ही आएगा दोस्तों, ये तो आपको पता है, जो कि दो इंडेक्स के व्यू में मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है, और अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल के दिन, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय एंड सी यू।